नमस्कार, मैं कंचन, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नागपुर में बाबा ताजुद्दीन के 100वें सालाना उर्स का आगाज। हजरत बाबा ताजुद्दीन के 100वें सालाना उर्स का आगाज परचम कुशाई की रस्म अदायगी से हुआ है। रविवार सुबह 9 बजे दरगाह के सज्जादान शीन सैयद यूसुफ इकबाल ताजी की सरपरस्ती एवं मदरसा जमिया अरबिया इस्लामिया के संचालक मुफ्ती अब्दुल कदीर खान की अध्यक्षता में श्रीमंत पंचम राजे रघुजी भोसले के हाथों पारंपरिक तरीके से परचम कुशाई की गई। उसके पश्चात मौलाना खुर्शीद अलम खान द्वारा कुरान पाक की तिलावत हुई। परचम कुशाई के बाद सुबह 9:30 बजे ताजबाद दरगाह परिसर स्थित डोम के उर्स का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। 3 सितंबर तक उर्स ट्रस्ट के सचिव ताज अहमद राजा ने कहा कि उर्स पर जायरानियों के लिए तमाम आवश्यक सुविधाएं की गई है। उर्स की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। सालाना उर्स 21 अगस्त से 3 सितंबर तक मनाया जाएगा। दरबारी शाही संदल 25 अगस्त को सुबह 10 बजे ट्रस्ट कार्यालय से निकलेगा। उर्स के समापन अवसर पर 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सूफी कॉन्फ्रेंस के आयोजन किए जाएंगे। उर्स के दौरान रोजाना ही लंगर वितरण सहित विविध धार्मिक कार्यक्रम होंगे। बाबा ताजुद्दीन के 100वें सालाना उर्स का आगाज। हजरत बाबा ताजुद्दीन के 100वें सालाना उर्स का आगाज परचम कुशाई की रस्म अदायगी से हुआ। रविवार सुबह 9 बजे दरगाह से सज्जाद शीन सैयद यूसुफ इकबाल तीसरी की सरस्वती मदरसा जामिया अरबिया इस्लामिया के संचालक मुफ्ती अब्दुल कदीर खान की अध्यक्षता में श्रीमंत पंचम राजे रघुजी भोसले के हाथों पारंपरिक तरीके से परचम कुशाई की गई। इसके पश्चात मौलाना खुर्शीद आलम खान द्वारा कुरान पाक की तिलावत हुई। परचम कुशाई के बाद सुबह 9:30 बजे ताजाबाद दरगाह परिसर स्थित डोम में उर्स का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। 3 सितंबर तक उर्स ट्रस्ट के सचिव ताज मोहम्मद राजा ने कहा कि उर्स पर जारियानों के लिए तमाम आवश्यक सुविधाएं की गई है। उर्स की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। सालाना उर्स 21 अगस्त से 3 सितंबर तक मनाया जाएगा। दरबारी शाही संदल 25 अगस्त को सुबह 10 बजे ट्रस्ट कार्यालय से निकलेगा। उर्स के समापन अवसर पर 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सूफी कॉन्फ्रेंस के आयोजन किया जाएगा। उर्स के दौरान रोजाना ही लंगर वितरण सहित विविध धार्मिक कार्यक्रम होंगे। ट्रस्ट कार्यालय में दस्तारबंदी उर्स की पूर्व संध्या पर ताजाबाद में पूर्व मंत्री शिवासी राव मोघे, अनीस अहमद एवं केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद बदर ने बाबा ताजुद्दीन की मजार पर फूल व चादर पेश कर ज़ियारत की। उसके बाद ट्रस्ट कार्यालय में इन सभी अतिथियों की दस्तारबंदी की गई। इस दौरान चेयरमैन प्यारे खान, सचिव ताज अहमद राजा, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र जिचकार, ट्रस्टी फारूक बाबला, अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV एप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार।